मैं हूं अंकिता, वेलकम और वेलकम बैक टू हंग्री बर्ड बुलबुल। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में दाल मखनी एक बहुत ही आसान से तरीके से। तो चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को देख लेते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमारे पास ये एक कप साबुत उड़द की दाल है, छिलके वाली, जिसे हमने ओवरनाइट सोक करके रखा था। इसे हथेलियों के बीच में रगड़कर इसका छिलका हटाएंगे थोड़ा सा। थोड़ी देर में आप देखोगे पानी का रंग काला सा गंदा सा हो गया है, तो इसे साफ पानी से दो तीन बार रिंस कर लेंगे। फिर इसे एक कुकर में ट्रांसफर कर देंगे। ये एक चौथाई कप राजमा है, इसे भी ओवरनाइट सोक किया हुआ था, उसे भी इस दाल के साथ डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक छोटा चम्मच नमक, और इसे बंद करके 6-7 सीटी या फिर जब तक दाल सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक पका लेंगे। अब एक कढ़ाई या पैन में 2 टेबलस्पून तेल लेंगे, फिर उसमें 1 तेज पत्ता डालेंगे और आधा छोटा चम्मच जीरा, 4-5 काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 1 इंच सिनेमन का टुकड़ा डालेंगे। इन खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर इसमें ये 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी देर में जब इसमें से लहसुन के फ्राई होने का स्मेल आने लगेगा, अब इसमें हम अपने मसाले डालेंगे। ये आधा छोटा चम्मच हल्दी है, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च का। फिर इन मसालों को भी कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को लो रखें, अदरवाइज मसाले जल जाएंगे। फिर इसमें हम ये टमाटो प्यूरी डाल देंगे। ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने पीस लिया है, और इस प्यूरी को भी इस मसाले के साथ फ्राई करेंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे, और एक बार जब ये टमाटर अच्छे से फ्राई हो जाएगा इस तरीके से, तो इसमें उबली हुई दाल और राजमा के मिक्स को डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम ये 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी बटर डाल सकते हो, ये टोटली आप पर है। और फिर फ्लेम को लो कर देंगे, जिससे बस ये जो है ऐसे बबल होए, और इस फ्लेम पर इसको लगभग 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक सिमर होने देंगे। दाल मखनी इज़ ऑल अबाउट स्लो कुकिंग। अगर आप सोचोगे कि कुकर में ही हमने ढेर सारा क्रीम डाल दिया, ढेर सारा बटर डाल दिया और सीटी लगाकर इसे सॉफ्ट कर देते हैं, तो उसका टेस्ट वैसा कभी नहीं आएगा। दाल मखनी के ऑथेंटिक टेस्ट के लिए आपको इसे धीमी आंच पर सिमर करना होगा, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के लिए। होटल्स रेस्टोरेंट्स में बहुत ज़्यादा देर के लिए करते हैं, पर घर पे भी आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए सिमर करो। धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहो, बीच बीच में स्टर करते रहो ताकि नीचे ना लगे, फिर जाके आपको वो खास टेस्ट, वो बटरी क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। ये लगभग 1 घंटा हो चुका है, और आप देख रहे हो दाल की कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट लग रही है। अब इसे फिनिश कर लेते हैं हम। मैं इसमें क्रीम डाल रही हूँ लगभग 2-3 टेबलस्पून के, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम भी आप अपने हिसाब से डालो, चाहो तो इससे ज़्यादा डालो, और इसको मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए और सिमर होने देंगे। उसके बाद इसमें ये आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे।
ये 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है, इसको हाथ के बीच में रगड़ के डाल देंगे। मिक्स करेंगे। और थोड़े से और बटर के साथ इसको फिनिश करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून बटर और डाला है। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट आ गई है, मुझे इतना ही थिक चाहिए था। और अब इसको फटाफट से एक बोल में सर्व कर लेंगे। थोड़ी सी क्रीम से गार्निश करेंगे और ये रेडी है। इसे गर्मा गर्म लच्छा पराठा के साथ एंजॉय करें। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।